कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए ते सो ही फल दीन। प्रणाम दोस्तों, यहाँ पर रहीमदास जी हम सबको समझाते हैं कि हमें कभी भी बुरी संगत में नहीं बैठना चाहिए। रहीमदास जी संगति का प्रभाव समझाते हुए तीन अलग अलग उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति जिस संगति में बैठता है उसका उसी प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ता है। यदि साधु संतों को छोड़ दें तो हम सांसारिक मनुष्यों के लिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी बुरी संगत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वो तो एक ही होती है, लेकिन जब तीन अलग अलग जगह पर जाती हैं तो उसका प्रभाव तीनों जगह पर अलग अलग होता है। सबसे पहले कहते हैं कदली, कदली यानी कि केले के वृक्ष पर यदि जाकर वही बूंद गिरेगी तो कपूर बन जाएगी। कदली सीप, सीप में यदि जाकर गिरेगी तो वही बूंद मोती बन जाएगी। कदली सीप भुजंग मुख, अब भुजंग यानी कि सांप के मुख में जाएगी तो वही बूंद जहर बन जाएगी। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही थी लेकिन तीन जगह पर अलग अलग गई तो उसका प्रभाव भी अलग अलग हुआ, उसी प्रकार से हम जैसी संगति में बैठेंगे, जैसी संगति बैठिए, हम जैसी संगति में बैठेंगे यदि हम बुरे व्यक्तियों के पास जाएंगे तो वहाँ से बुराइयाँ लेकर आएंगे, यदि सज्जन व्यक्ति के पास जाएंगे तो वहाँ से अच्छाइयाँ लेकर आएंगे, किसी साधु महात्मा के पास जाएंगे तो वहाँ से कुछ भगवान की बातें लेकर आएंगे। तो जैसी संगति बैठिए ते सो ही फल दीन। हम जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही हमको फल भी मिलेगा। यदि हम बुरे व्यक्तियों के पास रहेंगे, बुरे व्यक्तियों के साथ में रहेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं नशे की लत में लगेंगे और पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, और अच्छे व्यक्तियों की संगत करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। तो आशा करता हूँ ये दोहा आप सबका क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।